नमस्कार सलाम सत श्री अकाल दिस इज विवेक ओबरॉय एंड यू आर वाचिंग एक्सपोज इंडिया। यूपी में शिक्षा मित्रों के आंदोलन के साथ ही बीएड टीईटी अभ्यर्थियों का भी आंदोलन तेज हो गया है। लखनऊ में अपनी मांगों को लेकर बीएड टीईटी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, साथ ही विधान भवन का घेराव भी किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए जमकर लाठियां भी भांजी और अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस कारण राजधानी में कई इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था ठप पड़ गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थी घायल हो गए तो कई महिला अभ्यर्थी बेहोश हो गईं। बीएड टीईटी अभ्यर्थियों की मांग है कि 2012 के लंबित शिक्षक भर्ती के विज्ञापन पर रुकी प्रक्रिया को शुरू किया जाए, साथ ही नई विज्ञप्ति निकालने की मांग भी की गई। उनका कहना है कि उनका हक शिक्षा मित्रों को दिया जा रहा है। आपको बता दें कि 7 दिसंबर 2012 को 72,825 प्रशिक्षु भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। इस पर आवेदन के लिए प्रत्येक जनपद से 500 के हिसाब से फीस जमा कराई गई। और इसकी 4 फरवरी 2013 को काउंसलिंग हुई थी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला करते हुए इस विज्ञापन को सही ठहराया था। हम लोग लगभग यहाँ 20 से 25 हज़ार की संख्या में, हम लोगों की मांग ये थी कि हमारा 7/12/12 का विज्ञापन बहाल किया जाए और जो भी हमारे अंतरिम आदेश है उनका पालन करें और सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी ऑर्डर दिए हैं सरकार उनकी अवमानना न करे और उनका पालन करे, अन्यथा अभी तो ये शुरुआत है, आगे और बड़ी लड़ाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हम लोग बीएड वाले हम लोग को जो जॉब देना है सहायक 7/12 के हिसाब से, नए विज्ञापन भाग के हिसाब से सहायक अध्यापक के पद पर जो है हम लोग का जो रियल हक है वो हम लोग का हक शिक्षा मित्र को दिया। पूरे प्रदेश में कितने लोग हैं? पूरे प्रदेश में 90,000 लगभग लोग हैं जो बीएड अभी बाकी हुए हैं, जो बाकी है टीटी पास है उनको नहीं दिया जाए। तो हम लोग ना हम लोग कोई अराजकता फैला रहे हैं ना हम लोग कोई अभद्रता कर रहे हैं, सीधे साधारण तौर पे बैठ के धरना आराम से दे रहे हैं। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।